आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी जिसका नाम है हम नहीं थे बेवफा। चलिए शुरू करते हैं। कितना हुआ भैया? ऑटो से उतरते हुए सुहानी ने बिना देर किए अपना बैग कंधे से उतारते हुए पूछा। ऑटो वाले ने कहा, 242 हुए हैं, लेकिन आप 240 भी दे। वो इतना ही कह पाया था कि सुहानी 250 रुपए उसके हाथ में रखकर आगे चली गई। सुहानी की जिंदगी वैसे तो कोई परफेक्ट जिंदगी नहीं थी, लेकिन हाँ, टाइम को लेकर उसका परफेक्शन सब लोग मानते थे। और जिस दिन वो ऑफिस के लिए लेट हो जाती थी तो ऐसी हड़बड़ाई हुई भागती थी जैसे पुरानी फिल्मों में हीरो माँ के लिए खून की बोतल लेकर अस्पताल के लिए भागता है। ऑफिस की बड़ी सी बिल्डिंग के मेन गेट से होते हुए लिफ्ट से होकर वो जल्दी जल्दी अपनी डेस्क पर पहुंची। हेलो हेलो हेलो, हाय यार, आज फिर से मेड ने छुट्टी कर ली, टिफिन बनाने में टाइम लग गया। तो क्या हो रहा है? उसने अपनी डेस्क के आसपास बैठे उसके कुलीग से, खासकर उसकी बेस्ट फ्रेंड इंशा से पूछा। इंशा बोली, 3:30 बजे सर ने मीटिंग बुलाई है, प्रिंटआउट्स निकाल लेना। और हाँ, वो न्यू ज्वाइनिंग भी है आज। तो न्यू ज्वाइनिंग, थैंक गॉड। सुहानी ने उसकी सीट से कुछ दूर एक खाली सीट की तरफ देखते हुए कहा। असल में कुछ महीने पहले उसकी टीम की एक लड़की कादम्बिनी ने रिजाइन किया था और उसके बाद से अब तक कंपनी ने किसी को हायर नहीं किया था। टीम में एक आदमी की कमी की वजह से सुहानी पर और बाकी टीम पर एक्स्ट्रा वर्क प्रेशर आता था, तो वो खुश हो गई कि चलो नई ज्वाइनिंग हो रही है। हेलो गाइज, तो आपकी टीम में आज एक नया मेंबर ज्वाइन कर रहा है, होप यू गाइज विल हेल्प हिम इन दिस न्यू एटमॉस्फेयर, सो प्लीज वेलकम रोहित। नीली कमीज और काली पैंट पहने लंबा चौड़ा एक लड़का जिसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी के साथ मुस्कुराहट थी सामने आया। टीम के सभी लोगों ने ताली बजाई, पर सुहानी का चेहरा उस लड़के को देखकर बुझ गया। वो उस लड़के के चेहरे को हैरानी से देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वक्त एक बीत चुकी कहानी को फिर से सुनाने की तैयारी में है। रोहित को देखते ही सुहानी की आंखों के सामने वो वक्त फिर से गुजरने लगा जब 6 साल पहले उसने अपने घर पर रोहित को आखिरी बार देखा था। वो अक्टूबर का तीसरा हफ्ता था, मौसम जरा बदलने लगा था। सुहानी अपने सजे हुए कमरे में बैठी थी जहां ढोलक पर कुछ औरतें लोकगीत गा रही थीं। घर में तमाम मेहमान थे, चहल पहल थी, घर की दीवारों पर बिजली की लड़ियां सजी थीं। अगले दिन सुहानी की शादी होनी थी अमितेश से। पिताजी के चेहरे पर इंतजाम की फिक्र थी। वो कभी हलवाई से बात करते, कभी टेंट वाले से, और कभी किसी को झिड़क देते। पर ठीक उसी वक्त घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से सुहानी के होने वाले ससुर साहब और एक नौजवान लड़का निकले। ये लड़का अमितेश यानी कि सुहानी के होने वाले हस्बैंड का दोस्त था। इस लड़के का नाम था रोहित, वही रोहित जो आज सुहानी के दफ्तर में आया था। अरे आप लोग इस वक्त आइए आइए आइए, कहते हुए सुहानी के पिता ने अमितेश के पिता को अंदर बुलाया। रोहित भी साथ साथ अंदर आया। अमितेश के पिता यानी चौधरी साहब उस वक्त कुछ उलझे उलझे से लग रहे थे। वो लगे कमरे में आए और जब बाहर निकले तो सुहानी के पिता के चेहरे पर से हवाइयां उड़ रही थी। अमितेश के पिता दरअसल ये बताने आए थे कि ये शादी अब नहीं हो पाएगी क्योंकि अमितेश घर से भाग गया है। वो ये शादी नहीं करना चाहता था, उसे किसी और से प्यार था। सुहानी की जिंदगी से एक पल में बदल गई थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर मनो मिट्टी फेंक कर उसे उस बोझ में कहीं दबा दिया। घर में रोना पीटना मच गया। पिताजी आंगन में वहीं सर पर हाथ रखकर बैठ गए। सुहानी को उस वक्त की एक बात बहुत अच्छे से याद थी। सुहानी जब बालकनी से आंगन में झांक रही थी, जब वो बदहवास थी, तब आंगन से जाते हुए रोहित ने
उसे एक बार रुक कर देखा था। रोहित की आंखों में दुनिया भर की मायूसी, गम और तकलीफ सिमट आई थी। यूं तो इस बात को गुजरे जमाना हो गया था, उसने खुद को काम में इतना ज्यादा डुबा लिया था कि कुछ और सोचने का वक्त भी नहीं मिलता था। पर यह कहना झूठ है कि उसे सबका ख्याल नहीं था। वो आज भी दुनिया से छुप के कई रातों को अकेले उन यादों के तूफान से अकेले गुजरती थी। और अब तो ऑफिस में कोई ऐसा आ गया था जिसका चेहरा उसे रोजाना वो मनहूस बात याद दिलाने वाला था। काफी देर तक अपनी सीट से रोहित को देखने के बाद बहुत मुश्किल से वो अपने काम पर ध्यान दे पाई। पर अब तो ये रोज का सिलसिला होने जा रहा था। अगले कुछ दिनों तक सुहानी को रोहित से ना चाहते हुए भी बात करनी ही पड़ती। कभी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कभी कोई ऑफिस का दूसरा काम था। यहां रोहित की कैफियत भी कुछ अजीब सी थी। भले ही अमितेश और सुहानी की शादी टूटने के बाद उसने सुहानी के बारे में अलग से कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब जब वो उसके सामने आती थी तो रोहित उसे जिस नजर से देखता उसमें थोड़ा सा अफसोस भी शामिल होता था। और इस वजह से उसने कभी भी पुरानी जान पहचान का जिक्र नहीं किया। वो शायद सुहानी से हमेशा दूर ही रहता अगर एक दिन वो वाकया ना होता। कई हफ्तों तक एक ही ऑफिस में एक ही जगह पर काम करने के बावजूद दोनों ने एक दूसरे की तरफ कभी मुस्कुरा कर नहीं देखा था। लेकिन एक रोज रोहित कैंटीन की तरफ जा रहा था तो उसने सीढ़ियों के पास सुहानी को फोन पर बात करते हुए सुना। सुहानी गुस्से में अपनी मां से बात कर रही थी। कह रही थी, मम्मी आपके लिए क्या जिंदगी में इससे ज्यादा और कोई बात और जरूरी नहीं है क्या? हाँ, अरे नहीं करनी है मुझे शादी, प्लीज। फिर उधर से आती आवाज सुनकर वो और झल्लाई, आपने मुझसे पूछा था? नहीं ना, तो मैं क्यों आऊं? अरे नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मुझे नहीं मिलना है किसी से, आपको मुझसे पूछना चाहिए था। रोहित ठहर गया। सुहानी ने आगे कहा, हाँ हो रही हूं 30 की 40 की भी हो जाऊंगी तो क्या? नहीं करनी मुझे शादी, और फिर से अपना तमाशा नहीं बनवाना है मुझे सबके सामने। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उससे उसका चेहरा लाल हो रहा था पर आंसू भी आने लगे थे, जिन्हें साफ करते हुए वो मुड़ी तो देखा कि सामने रोहित खड़ा था। उसे ऐसे देखते ही रोहित हड़बड़ाकर बोला, मैं एक्चुअली कैफेटेरिया की तरफ से तो उधर से जा रहा था। तो वो अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाया था कि सुहानी बोल पड़ी, मेरी बातें सुन रहे थे ना, लगता है आपको मेरा तमाशा बनते देखने का बहुत शौक है। सुहानी की आंखों में नमी थी, उसने आंखों पर हथेली मली और वहां से चली गई। रोहित वहीं खड़ा रह गया। बुरा लगा था रोहित को, लेकिन खुद से ज्यादा सुहानी के लिए बुरा लग रहा था। जो कुछ उसकी जिंदगी में हो रहा था इस ऑफिस में, कोई समझे या ना समझे, रोहित को तो सब पता था। इस घटना के बाद से अब रोहित सुहानी के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा था। उसकी सीट के पास से गुजरते हुए जब उसकी नजर उस पर पड़ती तो वो उसे गौर से देखता था, लेकिन हर बार उसे सुहानी नजरें झुकाए हुए अपने काम में डूबी हुई दिखाई देती। कभी कभार वो सोचता था कि काश एक बार हमारी नजरें मिलें और सुहानी मुस्कुरा दे, ताकि उनके बीच जो कुछ भी हुआ है वो थोड़ा थोड़ा पिघले। लेकिन सुहानी ने उसकी तरफ नहीं देखा, पर वो देखता था। डेस्क पर झुककर उलझे हुए बालों में उल्टा पेन चलाती सुहानी को, उसकी झुकी हुई पलकों को, उसके माथे पर जमी हुई सिलवटों को, जैसे दुनिया भर की कश्मकश उसकी दो आंखों के बीच समा गई है। सुहानी कोई बला की खूबसूरत लड़की नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव लड़कियां थी ऑफिस में, पर उसकी सादगी, उसके बात करने का तरीका और उसका खामोश अंदाज, रोहित की नजर में वो ऑफिस की सबसे अलग लड़की थी। रोहित को याद था कि यही बात उसने एक बार अमितेश से भी कही थी, जब अमितेश और सुहानी की शादी होने वाली थी। सगाई की अंगूठी लेने के लिए वो और अमितेश दोनों सुहानी के घर पे आए थे। वापसी के बाद रोहित ने अमितेश से कहा था, भाई बहुत अच्छी लड़की पा गया तू, तू है नहीं वैसे इसके लायक, अगर तू पसंद नहीं करता ना सुहानी भाभी को तो कसम से कह रहा हूं मैं शादी कर लेता। बात याद आई तो वो सुहानी को कुछ और गौर से देखने लगा। सुहानी की सीट दफ्तर की उस कांच की दीवार से लगी हुई थी, उसकी डेस्क पर कुछ प्लांट्स थे और सामने के सॉफ्ट बोर्ड पर मां और गुजर चुके पिता की तस्वीर।
एक तस्वीर उसके बचपन की भी थी, जिसमें वो शायद 6-7 साल की होगी। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी वो, जिसमें वो अपने पापा मम्मी के साथ गेटवे ऑफ इंडिया के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। कितनी अजीब बात थी कि वैसे तो सुहानी उस तस्वीर से अब बहुत बदल गई थी, लेकिन मुस्कुराहट बिल्कुल वही थी। ये तस्वीर आपकी है? पता होने के बावजूद एक रोज रोहित ने सुहानी से बातचीत के बहाने पूछा। सुहानी ने नपतुला सा जवाब दिया, हाँ मैं ही हूं। और फिर रोहित से बचकर काम करने लगी। रोहित बोला, मैं गेटवे ऑफ इंडिया पहली बार कब गया मुझे तो याद भी नहीं, पर मम्मी कहती हैं कि शायद यही उम्र थी मेरी भी। सुहानी खामोश रही। रोहित ने आगे कहा, पता है आपको, ये जो बिल्डिंग है ना आपके पीछे इस फोटो में, इसे ये वाली, अब ये बिल्डिंग नहीं यहां पर। सुहानी देखने लगी और बात बात में दोनों ने ध्यान ही नहीं दिया कि वो तस्वीर देखते देखते कब बहुत करीब आ गए। अचानक इस बात का एहसास होते ही सुहानी ने अपनी चेयर फौरन पीछे कर ली। धीरे धीरे सुहानी और रोहित के बीच की खामोशी अब टूटने लगी थी। वो आते जाते हाय हेलो भी कर लेते थे और अक्सर दोनों दफ्तरी बातचीत के अलावा भी इधर उधर की बात करते थे। एक शाम जब रोहित ऑफिस से घर लौट रहा था, बारिश हो रही थी, अंधेरा भी था, रास्ते में एक जगह उसे सुहानी दिखी। अपने हैंडबैग को छतरी बनाए वो बारिश से बचने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रोहित ने गाड़ी उसके पास रोकी और खिड़की का शीशा नीचे करते हुए कहा, आइए मैं आपको छोड़ देता हूं, बारिश बहुत तेज है। सुहानी बोली, इट्स ओके, मैं ऑटो का वेट कर रही हूं, आप जाइए। रोहित ने कुछ नाराजगी से कहा, नो इट्स नॉट ओके, और आपको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता मैं, आइए अंदर बैठिए। रोहित ने इस बार न जाने किस हक से यह बात कही कि सुहानी बहस नहीं कर पाई और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। बारिश तेज थी, रेडियो पर गाने की मध्यम आवाज। इन दोनों आवाजों के बावजूद एक अजीब सी खामोशी थी। रोहित ने इस खामोशी को तोड़ने की कोशिश की, सो हाउज लाइफ? सुहानी ने बड़ा मुख्तसर सा जवाब दिया, वेल इट्स गुड, चल रहा है। एक बार फिर से कार में खामोशी पसर गई। रोहित ने फिर कोशिश की, एक बात बताइए, आपको मुझसे कुछ प्रॉब्लम है क्या? जवाब में सुहानी ने एक बार रोहित की तरफ देखा और कोई जवाब नहीं दिया। इतने में गाड़ी सुहानी के घर तक पहुंच गई। वो गाड़ी से उतर ही रही थी कि रोहित ने बोला, लुक, मैं जानता हूं कि आपको मुझे देखकर गुस्सा आता होगा, लेकिन मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि सबकी तरह मुझे भी कुछ नहीं मालूम था मितेश के बारे में। मालूम होता तो मैं आपके साथ वो सब नहीं होने देता। प्लीज बिलीव मी, आई नो मेरी सफाई से कुछ बदलेगा नहीं, कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन जो नफरत मैं आपकी नजर में अपने लिए देखता हूं, मुझे बुरा लगता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सुहानी ने कुछ कहा नहीं और कार से उतरकर चली गई। हालांकि अगले कुछ दिनों में रोहित को इसका अनकहा सा जवाब मिलने लगा था। अब कभी कभी सुहानी उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुरा कर देती थी। कड़वाहट गई तो नहीं थी, पर कम होने लगी थी। ऐसे ही एक शाम जब रोहित कैंटीन में अकेला बैठा कॉफी पी रहा था, कोई और टेबल खाली नहीं थी, तो सुहानी वहां गई। ये सुहानी की तरफ से रोहित की तरफ बढ़ाया गया पहला कलम था। कॉफी पर बात शुरू हुई और फिर दोनों का मन इतना लग गया कि पता ही नहीं चला कब 15 मिनट का ब्रेक घंटे भर तक का खिंच गया। उनकी बातों में मुंबई का मौसम था, यहां के लोगों के बोलने का अंदाज था, भोपाल का खाना था, शाहरुख खान की नई फिल्म थी, और पता नहीं क्या क्या टॉपिक्स खुलते गए। ऐसी ही कुछ मुलाकातों ने उनके बीच की मिट्टी को कुछ नरम कर दिया था। बात यहां तक पहुंच गई थी कि अब दोनों कभी कभार लंच भी साथ साथ कर लेते थे, ब्रेक में कॉफी भी पीते थे। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे से कई कई बातें की, वो जान पहचान जिसे कुछ साल पहले तक वक्त ने बढ़ने नहीं दिया था, आज वही वक्त दोनों में पल पल पहचान बढ़ाता जा रहा था। सुहानी को अब रोहित का साथ होना अच्छा लगने लगा था। वो अक्सर शाम के कॉफी ब्रेक में रोहित के डेस्क पर खुद आ जाती थी और बाहर चलने के लिए कहती थी, जहां वो दोनों ऑफिस में चल रही पॉलिटिक्स गॉसिप करते थे और खूब हंसते थे। उनका रिश्ता धीरे धीरे बेहतर हो रहा था, लेकिन तभी एक झटका लगा।
एक दोपहर जब सुहानी रोज की तरह अपने काम में मसरूफ थी कि तभी उसकी नजर कांच से बाहर की तरफ गई, क्योंकि उसकी सीट से बाहर की सड़क साफ दिखती थी। तो उसने देखा कि रोहित बिल्डिंग से बाहर निकला और रोड क्रॉस करने लगा, लेकिन तभी वो रोड के उस तरफ खड़े किसी शख्स से मिलने पहुंचा। सुहानी ने उस इंतजार कर रहे शख्स को गौर से देखा तो वह हैरान रह गई। ये कोई और नहीं, अमितेश था। वही अमितेश जिससे सुहानी की शादी टूट गई थी। सुहानी को काटो तो खून नहीं, जाने क्यों उसे लगा कि रोहित तो उसके साथ कोई धोखा कर रहा है। तो क्या वो अमितेश को मेरे बारे में सब बताता होगा, मैं क्या कर रही हूं, मेरी शादी अब तक नहीं हुई है, वगैरह वगैरह। तो क्या रोहित का आना अमितेश की ही चाल थी। वो जाने क्या क्या उलझुल सोचने लगी। वो अपनी सीट से उठी, अपना पर्स उठाया और तेज कदमों से नीचे की तरफ जाने लगी। कुछ देर बाद वो हांफती हुई सड़क के उस पार पहुंची। उसे अचानक देखकर अमितेश और रोहित घबरा गए। तो ये है तुम्हारी हकीकत, हाँ? इसलिए आए थे तुम यहां? इसने भेजा था ना तुम्हें? रोहित से बात करते हुए सुहानी ने चीखते हुए कहा। अब सुहानी लिसन, देखो मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना। रोहित बोल ही रहा था कि सुहानी ने उसकी बात कर, तुम्हें इसने ही भेजा था ना मेरे पास, हाँ? अमितेश सर झुकाए खड़ा था और रोहित सुहानी को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसने एक बात भी नहीं सुनी। जब वो चीखते चीखते थक गई तो उसने ऑटो किया और वहां से चली गई। सुहानी को लगा था कि जिंदगी ने उसे दूसरी बार धोखा दिया। दूसरी बार इसलिए क्योंकि वो मन ही मन रोहित को पसंद करने लगी थी। हां, मोहब्बत हो गई थी उसे रोहित से, और इसलिए उसे रोहित का उस शख्स से मिलना जिसने उसे धोखा दिया उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अगले 3-4 दिन तक वो ऑफिस भी नहीं गई। रोहित ने कई बार उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो तो जैसे कसम खाकर बैठी थी कि अब किसी भी हालत में रोहित से बात नहीं करेगी, उस पर यकीन नहीं करेगी। जब बीमारी का बहाना बनाते बनाते काफी वक्त हो गया तो सुहानी को वापस ऑफिस आना पड़ा। उसने तय कर लिया था कि ऑफिस तो जा रही है लेकिन रोहित की तरफ कभी पलट कर नहीं देखेगी। पर दिल कहां मानता है, अपनी सीट पर बैठते ही आदतन उसकी नजर रोहित की सीट पर गई। वहां पर कोई नहीं था, रोहित की सीट खाली थी। इस बीच जो उसके ऑफिस की बेस्ट फ्रेंड थी इंशा, वो उसके पास आई और बोली, यार एक छोटी सी हेल्प चाहिए। हाँ बताओ। मुझे ना थोड़ा जल्दी निकलना है तो तुम मेरा एक छोटा सा काम कर देना, सुहानी ने कहा। हाँ ठीक है, क्या करना है? वो बोली, MD सर ने रोहित की जगह नए मैनेजर को रिक्रूट करने के लिए कहा है, तो कुछ पुराने रेज्यूमे तुम्हें फॉरवर्ड किए हैं, देखकर शॉर्टलिस्ट कर लेना 1-2। रोहित की जगह नए रिक्रूट? क्यों, रोहित ने रिजाइन कर दिया? कब? सुहानी ने हैरानी से पूछा तो इंशा ने बताया, हाँ करीब 3 दिन पहले, तुम्हें नहीं पता? सुहानी ने हड़बड़ाकर रोहित को कॉल मिलाया लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो खुद में बड़बड़ाने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, रोहित ऐसा कैसे कर सकता है? उसने जल्दी जल्दी एम्प्लॉय डेटा से उसका एड्रेस निकाला, बैग उठाया और ऑफिस से बाहर निकल गई। आज सुहानी वक्त को खुद को तन्हा करने का दूसरा मौका नहीं देना चाहती थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो एक दरवाजे के सामने खड़ी थी। दरवाजा खटखटाया, जैसे ही रोहित ने दरवाजा खोला वो फट पड़ी। हाउ डे यू, क्या सोचकर रिजाइन किया तुमने? हा? मुझे पता था कि तुम भी अपने दोस्त की ही तरह, तुम भी चले जाओगे। आई वॉज राइट रोहित, आई वॉज राइट। रोहित ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, अभी भी मुझे नहीं सुनोगी ना, बस बोलती रहोगी। सुहानी खामोश हो गई पर आंसू लगातार बह रहे थे। रोहित उसे अंदर ले आया और सोफे पर बैठाया, खुद उसके बगल में बैठ गया और गहरी सांस ली, फिर बोला, सुहानी पहले तुम इतने दुख झेल चुकी हो, मैं नहीं चाहता था कि मेरा चेहरा देखकर तुम्हारा दिल और जले, और तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, लेकिन यह बात जानना तुम्हारे लिए जरूरी है कि अमितेश ने उस रात जो किया उसका तरीका गलत था, पर उसकी नीयत गलत नहीं थी। वो ऐसे शख्स के साथ जीना चाहता था जिसे वो चाहता था, जिसके साथ आंख खुले तो हर सुबह खूबसूरत लगे। वो जानता था कि इस शादी से ना तुम खुश रहोगे ना वो, पर उसके घर वाले जबरदस्ती उसे इस रिश्ते में ढकेल रहे थे। मैं मानता हूं कि उसने देर की, पर कम से कम तुम्हारी पूरी जिंदगी को
उस गहरी उदासी से तो बचा लिया जो तुम हर सुबह हर शाम हर रात महसूस करती। तुम्हारे पास आगे बढ़ने का रास्ता है और मैं उससे इसलिए मिलता हूं क्योंकि वो अब भी मेरा दोस्त है। मैं जानता हूं कि वो गलत नहीं था, बस हालात गलत थे। सुहानी की आंखों से बहते हुए आंसू बता रहे थे कि उसे रोहित का हर शब्द सही और जायज लग रहा था। वो पुरानी कहावत है ना कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। सुहानी भी निकलना चाहती थी उस अतीत से, एक नई जिंदगी की तरफ। उसने रोहित को गौर से देखा और कहा, पर तुमने ऑफिस क्यों छोड़ा? वो बोला, क्योंकि तुम्हारी नाराजगी और खामोशी मेरे लिए अजाब हो जाती है। मैं काम नहीं कर पाता हूं सुहानी, मेरा जहन उलझ जाता है। सुहानी उसके कुछ और करीब आई और चेहरा बिल्कुल करीब करते हुए बोली, लेकिन इतनी क्यों मैटर करती है मेरी खामोशी तुम्हारे लिए? रोहित ने गौर से उसकी आंखों में देखा और फिर मुस्कुरा कर कहा, बिकॉज आई लव यू। उस कमरे में मोहब्बत के नए साए झिलमिला रहे थे। दो उदास परछाइयां एक खुशगवार परछाई बन गई थी। जिंदगी ने उन दोनों के लिए मोहब्बत का एक नया रोशनदान खोल दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी आपको ये कहानी हमें बताइएगा जरूर। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है और आप इसे Spotify या Apple Podcast पे सुन रहे हैं तो शो के नाम पर क्लिक कीजिए और आप जिस पेज पर पहुंचेंगे वहां पर आपको हमारे शो के नाम के नीचे एक स्टार दिखाई देगा। उस स्टार को आप क्लिक कीजिए और जितने भी स्टार आप देना चाहें इस कहानी को अपनी पसंद से जरूर दीजिए। और हाँ, वहां पर एक फॉलो का बटन होगा, वो भी जरूर दबाइएगा। इससे होगा ये कि ये कंटेंट, ये कहानी और लोगों तक पहुंचेगी। इस कहानी का साउंड डिजाइन किया है सचिन द्विवेदी ने। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी।